नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस देश के जाने माने तबला वादक शुभ महाराज जी। शुभ जिसे हम इस पूरे इंटरव्यू में बहुत सारी दिलचस्प बातें करेंगे, उनकी परंपरा पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए। और लग रहा है कि मैं अपने घर में किसी से बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ। हम लोग शुरुआत करेंगे और तबले पर आएंगे, तबले की परंपरा पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आपका नाम है, इतना खूबसूरत नाम है कि उस नाम का उच्चारण करने में ही ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही पायस, कुछ बहुत ही पवित्र सारी सी चीज आ गई। शुभ, ये नाम शुभ जो पड़ा, इसकी कहानी क्या है? नाना जी ने रखा ये तो मुझे पता है, लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है, वहीं से इंटरव्यू शुरू करते हैं। ये हमारे नाना जी की, गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने ये नाम दिया मुझे। असल में हमारे पिताजी जो हैं वो बहुत जाने माने कथक गुरु रहे हमेशा से, पंडित बिरजू महाराज जी के बहुत सीनियर शिष्य थे, पंडित विजय शंकर। वो अकेडमी अवार्डी भी थे, अभी 2-3 साल पहले हाल में ही उनका देहांत हुआ। तो उनका नाम विजय शंकर था, तो पिताजी के नाम से मिलाने के लिए, क्योंकि कवि बहुत अच्छे थे गुरुजी जो थे नाना जी, तो नाम से मिलाने के लिए वो बहुत से नाम जो थे उस जमाने में, उदय शंकर, रवि शंकर, अजय शंकर, तो नाम होते हैं ऐसे, तो वो विजय शंकर से मिलाने के लिए उन्हें क्या समझ में आया कि सबसे अलग नाम होगा, तो शुभ शंकर ऐसे जाता था। तो वो हाई स्कूल तक था मेरा नाम, तो वो तब तक था। फिर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि मेरे चेक्स बहुत गलत बनने लगे, कभी शुभंकर, कभी शिवशंकर, कभी वो, और प्रोग्राम्स करने जब स्टार्ट हो गया तो हमारे गुरुजी की ही, उन्हीं की इजाजत थी और उन्हीं की हुक्म हुआ, खुद से बोले ये तुम शंकर हटा लो, अब तुम तबला बजाते हो और हमारे साथ रहते हो, तो अब हमारे हिसाब से इस चीज को आगे बढ़ाओ। एक उनके मन में ये बात भी थी कि उनके घर में जो है पुत्र तो है लेकिन पोते की जगह पे अभी कोई नहीं है, तो वो जस्ट टू कैरी ऑन द सरनेम फॉर दैट रीजन उन्होंने कहा कि शुभ महाराज तुम लिखा करो। तो उसमें वाकई वो नाम भी मुझे सूट किया और बाद में मुझे चेक वेक भी सब ठीक आने लगा। तो फिर 2004 ऑनवर्ड्स फिर वो ऐसे हो गया। वैसे मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि शुभ जी ये जो रागगिरी का परिवार है उसका हिस्सा है, और कुछ बरस पहले हमने पंडित किशन महाराज जी की याद में बनारस में एक कार्यक्रम किया था, उसमें शुभ जी ने बजाया भी था, उसकी एक झलक देख लेते हैं। करीब करीब हर जगह बजाते थे। We'll be right back.
मैं रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि शुभ जब अपने गुरु जी का नाम लेते हैं तो गुरु जी का मतलब इस देश के बहुत बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित और बल्कि देश के नहीं पूरी दुनिया के बहुत ज्यादा सम्मानित, बहुत ज्यादा प्यार हासिल करने वाले पंडित किशन महाराज जी का जिक्र होता है, उनका नाम आता है और पद्म विभूषण रहे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि तबले में जो भारत के सबसे महारथी कलाकार रहे उनमें से वो अग्रणी रहे। शुभ भाई ये बताइए कि पिताजी कथक, ये सवाल, इस सवाल का जवाब आपने कई बार दिया होगा इससे पहले भी, लेकिन पिताजी कथक, नाना तबला, तो कहीं कोई बचपन में ये कैसे तय हुआ कि आप तबला शुरू करेंगे? क्योंकि आपने जो गंडाबंद शागिर्द बने आप, वो तो 90 के दशक में जाके बने, बचपन में कैसे तय हुआ था जब बिल्कुल छोटे रहे होंगे 4-5 साल के? नहीं, जब 5 ही साल के थे तो भी मेरा गंडा बंधन हुआ था। हाँ। 5-6 साल के थे तो बचपन से ही, लेकिन रहते हम बनारस में ही थे शुरू से। 1 साल की उम्र से रहते हम नाना नानी के ही साथ थे। तो हमारे पिताजी थोड़ा अलग विचार के व्यक्ति थे, बड़े विचारवान व्यक्ति थे, ज्यादा बात नहीं करते थे लेकिन चुपचाप खामोशी से, और बड़े ही विचारशील आदमी थे। तो उनसे बाद में मैंने पूछा कि ये क्यों ऐसा क्यों किया आपने बचपन में, तो उनका ये कहना था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई विधा जब आप चुनते हैं तो उसका गुरु ढूंढना बहुत दिक्कत होती है। और अच्छे गुरु के बिना एक चीज सीखा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे गुरु के पास सीखे तो काम हो जाएगा। मतलब ये विद्या ऐसी है कि कई बार कई जन्म लग जाते हैं अच्छा गुरु मिलने में। 1-2 जन्म तक तो देखते सुनते निकल जाता है इंसान, कभी जाके 2-3 जन्म में एक सही अच्छे गुरु मिलते हैं जो सही हाथ पकड़ के ले जाए। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है इस कला के साथ कि इस कला को आप, जैसे मुझे बांसुरी सीखने का मन है तो मैं ऐसे ही किसी से भी नहीं बांसुरी सीख सकता। गाना सीखना है तो ऐसे ही उस विधा के सबसे बड़े गुरु को ढूंढना और पहचानना और जाना उनके पास, और वो फिर वहां से असली यात्रा तो वहां से शुरू होगी। तो यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती जब तक गुरु ना। तो उनका ये कहना था कि जब घर में एक ऐसा गुरु मौजूद है जिससे दुनिया से लोग आके तबला सीखते हैं तो तुम डांस सीख के क्या करो। दूसरा, उनके पर्सनल जीवन में, अपने जीवन में उनको गुरु ढूंढने के लिए बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तो वो हैदराबाद से थे और वहां पे उस जमाने में नॉर्थ का डांस, कथक डांस वगैरह मेंटेन करना तो वो बहुत मुश्किल बात था। तो वहां से वो कथक डांस को सोचते हुए और फिर धीरे धीरे दिल्ली आए, और फिर दिल्ली में उन्होंने महाराज जी के पास सीखा और फिर कलकत्ता में काम किया। तो उनका कोई गॉडफादर नहीं था तो वो पूरा शुरू से, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तब अगर ऐसे गुरु हैं घर में है तो बेवकूफी होगी कि कुछ और सीखो, तो सिर्फ तबला सीखो। ये बात और थी कि अगर मेरा शायद मन ना लगता 5-6 साल 8 साल जाते जाते तो शायद मैं फिर किसी और विधा में जाता, फिर अलग बात थी। लेकिन प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर जो कहा जाता है, और ईश्वर की कृपा थी कि दिल लग गया और जिनको, जिनके पास भेजा उनसे बेहतर गुरु उस युग में कोई हो ही नहीं सकता था। तो बस फिर यात्रा शुरू हो गई। यात्रा शुरू हो गई शुभ भाई, लेकिन अगर मैं अभी बता दूं कि आपकी उम्र जो है वो 34-35 साल की है और 5-6 साल की उम्र में आपने गंडाबंद शागिर्द बन गए आप पंडित किशन महाराज जी के, तो जरा वो गुरु शिष्य परंपरा पर तो बाद में बात करेंगे, जरा वो नाना भी थे आपके, तो बदमाशियां कौन सी करते थे आप, और कभी नाना जी ने पिटाई विटाई की कि तुमको जो है इसीलिए लाए हो मैं वहां से? नहीं, वो लोग यूजुअली सोचते हैं ननिहाल में बच्चे बिगड़ जाते हैं, ननिहाल में खाली लाड प्यार मिलता है। हमारे तरफ थोड़ा उल्टा मामला है। महाराज जी बड़े ही दूसरे किस्म के व्यक्ति हैं, और मैं अक्सर दुनिया में घूमता हूँ, लोग, बहुत से लोग आप ये जो सवाल पूछे हैं सब पूछते हैं, आप तो रहे हैं उनके साथ 24 घंटे, महाराज जी को हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं या सामने से एक बार मिले हैं, तो वो घर में जैसे थे तो कैसा था उनके साथ रहना या कैसे होता। तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि उनके संग घर में साथ रहना कितना मुश्किल था। वो इतने अलग तरह के व्यक्ति थे, और चूंकि उन्होंने जीवन को बड़े अलग ढंग से देखा था, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए थे,
लेकिन किताबों को पढ़ रहे थे बचपन से, और एक अलग ही विलक्षण प्रकृति के आदमी थे शुरू से, बचपन से। तो वो उसी के संग बड़े हुए थे, और अपने बचपन में वो इकलौते होते थे घर के, तो इकलौते लड़के भी थे। तो हम लोग वो उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी दुनिया जो है चारों तरफ उनको जो है उनके मर्जी से सब कुछ होता था। तो हम लोग थोड़ा सा भी बचपन में, बहुत बचपन की बात अलग है, लेकिन जब गंडाबंधन हो गया, वो भी कोई बड़े नहीं हो गए थे, 5 ही 6 साल के थे, लेकिन वो 5 6 साल की उम्र से फिर उन्होंने ट्रैक पे ले आ दिया कि अब इन सब बदमाशियों में से ये सब बदमाशियां नहीं हो सकती, ये हो सकती हैं। और वो फिर वो बढ़ता गया फिर उम्र के साथ, तो 12 13 साल की उम्र में मेरे ख्याल से स्टेज पे मैंने बजाना शुरू किया, और फिर वो सारी गलतियों पे ये हो गया कि अब इसमें से कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर बहुत ही कड़ाई रखते थे वो, और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे, और उनका मानना ये था कि तुमको देख के समझना चाहिए, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। तो उसमें कई बार वो चीजें दिक्कत हो जाती थी, और उसमें मुझे ही क्या, सारे शिष्यों को और हम सभी को, मैं ये बात बताता हूँ, लेकिन बहुत से लोग इसका यकीन नहीं करते, लेकिन मेरे गुरु भाई लोग जो हैं, जो मेरे साथ सीखे हुए हैं, वो इसकी गवाही देंगे कि हम लोग सारे एक संग रियाज करते थे, और रियाज करके उठ के जाके फिर उनके चिड़िया का, कुत्तों का खाना पीना, और वो घर में झाड़ू पोछा। ऐसा नहीं है कि मैं नाती हूँ तो मैं बैठा हुआ हूँ और दूसरे कर, ऐसा नहीं था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि मैं खाना खाने अंदर घर जा सकता था और उनके घर में सो सकता, नहीं तो बाकी शिष्य जो थे वो खाना भी खाने बाहर जाते थे और सोने भी दूसरी जगह जाते थे, घर से वापस जाते। नहीं तो और कोई फर्क नहीं, उनकी सेवा में, उनके व्यवहार में, अपने बच्चों के साथ भी वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बेटे के साथ, बेटियों के साथ, तो शिष्यों के संग तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। लेकिन वो आज भी, अब मैं देखता हूँ मुड़ के पीछे, तो बड़ी कृपा रही है भगवान की कि उनके संग रह लेने की वजह से अभी दुनिया में दूसरी मुसीबतें मुझे बड़ी छोटी लगती, और सामने कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत हो हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बना दिया है। अच्छा, अब तो मतलब अभी आगे इंटरव्यू में नाम बताऊंगा मैं उन कलाकारों का जिनके साथ आपने संगत की है या जिनके सामने आपने कार्यक्रम बजाए हैं और वो दर्शकों में शुमार रहे हैं। लेकिन याद करके बताइए कि वो कौन सा कार्यक्रम था, पहला, शुरुआत का पहला या दूसरा, जब पंडित जी सामने दर्शकों में बैठे हुए हो और आपको बजाना रहा हो, और उस प्रोग्राम में बजाने से पहले आपकी मन स्थिति कैसी थी? मतलब कोई डर था या आत्मविश्वास था कि नहीं, इतनी मेहनत की है कि मैं खराब नहीं बजाऊंगा या गलत नहीं बजाऊंगा, पहला वो कार्यक्रम या दूसरा वो कार्यक्रम जब पंडित जी सामने रहे हो? नहीं, वैसे तो मेरा जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो शुरू के 3 4 6 कार्यक्रम में वो हमेशा साथी थे, और उसमें वो एकदम शुरू के एक दो दो तीन कार्यक्रम में वो मंच पर भी बैठ गए मेरे साथ, तो ऐसा भी हुआ। लेकिन उससे पहले जो है, 6 महीने पहले से मुझे ये पता था कि भाई मुझे कार्यक्रम बजाना है और मंच पे ये बैठेंगे साथ में, तो उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग भी चल रही थी, तो मुझे थोड़ा सा वो प्रैक्टिस हो गई थी उनके साथ बैठने की, और उनको उनसे उनके बगल में बैठ के थोड़ा बजा लेने की हिम्मत करने की, क्योंकि बजाने में बड़ा डर लगता था, वो हाथ तुरंत छोड़ देते थे, बगल में ही रहते थे, बनारसी आदमी थे, तो 2 बार बोला, 3रे बार सीधे हाथ छोड़ते थे, तो वो तो हम लोग को बड़ा डर लगता था कि भरोसा नहीं है, स्टेज पे भी हाथ छोड़ सकते हैं, तो बगल में ही बैठते रहते थे। तो ऐसा हुआ, लेकिन उसके हिसाब से हमने जो भी हो सका, हमसे बन पड़ा, अपनी तैयारी की थी, 6 महीने 8 महीने, तो धीरे धीरे उसकी आदत थी। लेकिन आपको बताने लायक एक अलग किस्सा है, इन सब से पहले जब कार्यक्रम ही नहीं शुरू किया था, तो ये जो आज वो जो हॉल में कार्यक्रम हुआ था महाराज जी का, जिसमें हम भी आए थे, आपने करवाया था, हाँ, ये अपना, संस्कृति हाँ, संस्कृति संकुल जो अब गिरिजा जी के नाम पर। संकुल का शिलान्यास हुआ था, सूरजभान जी उस समय राज्यपाल आए हुए थे, ये है बात 99। तो लास्ट, और सभी ने बजाया था, बिस्मिल्ला खान साहब ने, अप्पा जी ने, सभी का कार्यक्रम था, तो लास्ट कार्यक्रम था सितारा देवी जी का डांस और महाराज जी का तबला। हम लोग जैसे बनारस में करते हैं कि सारे शिष्य वगैरह जो है, टोली पूरी मंडली जो है, हम लोग सब गए हुए थे उनको सुनने, तो मुझे काम मिला था, मैं 10 11 साल का था, तो मुझे और एक आध शिष्य और होंगे, उन्हें काम मिला था कि स्टेज पे तबला रखना है।
स्टेज पे तबला वबला रखा गया, सब सेट हो गया, कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो मैं जस्ट पीछे बैठा था हूँ महाराज जी के और सितारा देवी जी को भी। ये सब कार्यक्रम भी देखने का सौभाग्य मिला है। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात सही ये बात सब है कि अभी हम लोग आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि हमने देखा हुआ है, इन लोगों को दर्शन है। तो वो कार्यक्रम हो रहा था और अचानक से सितारा जी ने कुछ एक बंदिश पढ़ा उन्होंने, तो पता नहीं उनको क्या समझ में आया। महाराज जी को घूम के हमसे कहते हैं, इसका वो वाला पता है? हम कहे हाँ, कहे बोलो। तो फट से माइक लेके वो बोले कि इसका जोड़ी देखिए, हमारा नाती पढ़ रहा है, इसको देखिए ऐसा ही तबले में, इसकी क्या बंदिश है हम लोग के घर में। तो एकदम ही बगल में बैठे थे, मैं बता रहा हूँ, मैं पीछे बैठा था, तो माइक मुझे दिए तो मैं ऐसे हो गया, तो एकदम ही बगल में आ गया हूँ। तो इतना बगल में था कि मुझे पता था कि अभी डरने से या कुछ काम गलती करने से तुरंत मार पड़, और पब्लिक तो पूरा भरा हुआ था, खचा खच, वो राज्यपाल महोदय भी बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए। अचानक से उन्होंने बोल दिया, तो उसमें मैं मतलब आंख बंद करके बहुत जोर से पढ़ गया, बहुत अच्छे से, जोश से, कि बस पढ़ना ही है, पढ़ के निकल जाए। तो जब जोर से पढ़ गया तो वो कॉन्फिडेंट हो गया मेरे ऊपर, कहे एक काम करो बजा भी दो। तो मैंने तो वो फट से तबला छोड़ के हट गए, हल्का सा पीछे हुए, तो फिर मैं बैठ गया। तो सितारा जी ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे पड़े, वो भी क्या बिल्कुल मिजाज की आर्टिस्ट थी, ऐसे खड़ी हो गई देखने लगी ऐसे। तो फिर मैं वो एक बंदिश छोटा सा बजाया, तो उसके बाद बड़ी ताली बजी और वो महाराज जी भी बहुत खुश हुए कि अचानक से मैंने कुछ बोला और तुम निभा गए। तो उस दिन, उस रात मतलब, जब मैं वापस घर आया तो मुझे अपने कमरे में जाने से पहले बोले कि कल से हारमोनियम वाला आएगा, तुमको थोड़ा प्रोग्राम का और स्टेज का भी थोड़ा अभी बताना शुरू कर। उस दिन से ये शुरू हुआ। तो ये सब यादें हैं, ऐसे कार्यक्रम हुए हैं कई सारे। तो जिस कार्यक्रम की एक झलक आपने पहले देखी थी बनारसिया, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब और पंडित किशन महाराज जी की याद में हमने किया था, उसी कार्यक्रम में शुभ महाराज जी के कार्यक्रम की एक और झलक।
थोड़ा सा लाइट कम हो सकता है प्लीज। वॉल्यूम बहुत कम है इसका। हाँ प्लीज बाएं का थोड़ा बढ़ा दीजिए वॉल्यूम इस वाले माइक का। सही पसीना निकला तो जाने निकल जाए बजा बजा। नाद का जो उद्गम है वो भगवान शिव के डमरू से हुआ है और हम ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो तबले और पखावज में डमरू का भी अंश है। तो ये हमारे गुरुजी के बजाने की चीज़ है और दादा गुरु के भी बजाने की चीज़ है तो ये मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अब जो मैं कह रहा था तो जो सामने बैठ के देखने वाले जो दर्शक कह लें या जिनका आशीर्वाद एक दर्शक के तौर पर शुभ भाई को मिला है उसमें भारत रत्न रविशंकर जी से लेकर और उस्ताद अमजद अली खान साहब से लेकर पंडित राजन साजन मिश्र जी से लेकर और विश्वमोहन भट्ट मतलब तमाम बड़े कलाकार जिन्होंने
बिल्कुल बजाना भी उनके साथ हुआ है। लेकिन शुभ भाई आपने बहुत मजेदार किस्सा बता दिया और इससे मन में एक सवाल ये आ गया कि वो जो घर है पंडित जी का, मतलब कबीर चौरा, तो वहां तो वो जो गली है उस गली में तो मतलब एक से एक मूर्धन्य कलाकार रहते हैं। उसके अलावा फिर सितारा देवी जी, बिरजू महाराज जी, राजन साजन जी, इस तरह के कलाकार और इन लोगों के जो संबंध रहे किशन जी से, वो किसी से छुपे नहीं है। किस अधिकार से ये लोग मिलते थे, आधे से ज्यादा लोग उनका के लिए वो बड़े भाई थे, आधे से ज्यादा लोगों के लिए वो भाई थे, मतलब मित्रवत थे। आप जब छोटे रहे होंगे और ये लोग बनारस आते होंगे कुछ कलाकार जो बाहर से, तो वो कैसा आपको उनका जो आशीर्वाद मिलता था, या उनके सामने जो ये कहा जाता होगा कि चलो जरा ये करके सुना दो, या ये करके दिखा दो, या ये करके बजा दो, वो कितना मजेदार होता था? ये अक्सर होता था, खास करके संकट मोचन वगैरह के टाइम में और जब दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस जमाने में और उनके टाइम में ये होता था आखिरी तक 2008 तक, कि 5ों दिन जो भी कलाकार एक दिन पहले संकट मोचन में बजाए हैं, गाए हैं, उनका नाश्ता हमारे यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट होता था। और नाश्ता थोड़ा लेट से ही होता था क्योंकि कार्यक्रम लेट से खत्म होता था, तो एक तरह का ब्रंच समझ लीजिए। तो उसमें वो कचौड़ी जलेबी और दूध जलेबी, ये सब तो महाराज जी का बड़ा मतलब ये स्पेशलिटी था, सबको नाश्ता करवाना ये चीज था। तो वो हम लोग तो सारे शिष्य लोग और घर के लोग उसकी व्यवस्था करते थे। तो उसमें मुझे बहुत बार सौभाग्य मिला, चाहे पंडित राजन साजन मिश्रा जी, बिरजू महाराज जी, शिव कुमार शर्मा जी जो अभी देखे, अमजद अली खान साहब, इन लोगों को अचानक से आवाज देते थे कि इधर आओ, तबला लेके आ जाओ, या ऐसे ही आ जाओ, ये चीज सुनाओ। तो मैं सुनाता था, तो कई बार इनाम भी मिल जाता था जेब खर्ची उस जमाने में। तो ये बड़ा आनंद था, और ईश्वर की कृपा से पंडित जी के सामने एक बार हाजिरी लगाने का मौका मिला आखिरी में 2005 में। तो वो दिल्ली आए हुए थे और महाराज जी उनके यहाँ सोलो बजाने आए थे, तो उन्होंने सुबह के टाइम बोला कि सुना तुम्हारा नाती भी बहुत अच्छा बजा रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा सुनवाना मुझे। तो मतलब 4-6 घंटे पहले मुझे पता चला, 4-5 घंटे पहले की शाम, तो उसमें भी हाजिरी लगाया, तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये सब तो एक पूंजी है कलाकार के जिंदगी। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए शुभ भाई, आप इन सारे मतलब जिन कलाकारों को देखने भर की इच्छा रहती है संगीत प्रेमियों को, उन सबको आपको ना सिर्फ देखने का मौका मिला बल्कि आपको ये सौभाग्य मिला कि आप उनके चरण छू सकें या आप उनको कुछ सुना सकें। आज की पीढ़ी को अगर ये समझाना हो, आप अब खुद सिखाते हैं इतने सारे बच्चों को, अगर आज आपको ये समझाना हो किसी को, हालांकि ये मुश्किल है, लेकिन कैसे समझाएंगे कि बिस्मिल्लाह खां होने का मतलब क्या होता है, या पंडित किशन महाराज होने का मतलब क्या होता है, या सितारा देवी होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये लोग थे क्या, ये इनकी इनकी जो शख्सियत थी, इनकी जो पर्सनालिटी थी, ये क्या लोग थे, ये मतलब स्टेज पे जाके लगता था जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति इनके अंदर आ गई हो, कैसे कैसे आप डिफाइन करेंगे? अवतारी लोग थे सच में। मैं ये आप जो बोले सवाल, ये मेरे मन का सवाल है। मेरे मन में अक्सर होता है कि जैसे मैं अपने बच्चे को क्या कभी बता पाऊंगा कि मैं सितारा देवी जी को देखो कैसे खड़ी होती थी, कैसे उनका बात करने का टोन था, क्योंकि वो तो मेरे कान में, वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया हूँ कहीं, वो मैं कहीं पे आवाज करके नहीं बता सकता, और वो सामने से मुझे विजुअल क्योंकि देखा हुआ है, दर्शन किया है। इसीलिए देखिए जो भक्ति है वो दर्शन कहा जाता है, दर्शन जो है ज्ञान का दर्शन करना पड़ता है, तो आप कितने भी तरह बता लीजिए, तो ये चीज होती है। लेकिन हाँ फिर मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे गुरु ने एक इस हिसाब से हम लोगों को शिक्षा दी कि जिन लोगों को, जिन तबला वादकों को, जिन कलाकारों को हम लोगों ने सामने से नहीं देखा था, उनका दर्शन करवा दी। तो ये एक सच्चे गुरु की बात है, अगर एक गुरु ऐसा हो तो वो आपको दर्शन करवा सकता है। तो कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन हाँ विलायत खान साहब को जब मैंने कुर्ता पहन के और चूड़ीदार पहन के आते हुए देखा है कलकत्ता में, कोलकाता क्लब में उनका प्रेस इंटरव्यू था और उनको मैं देखा ऐसे आ रहे थे, उनको मैं पहली बार, क्योंकि उससे पहले सिर्फ कैसेट और सीडीज पे देखा था, तो
अब वो उसको मैं बयान कितना भी करूं, वो बच्चों को आज के समय में बयान करना मुश्किल हो। लेकिन वाह क्या बात है, मैं फोटो का इसीलिए बहुत संग्रह रखता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, फोटोज का मुझे संग्रह करने का शौक है, महाराज जी का और ऐसे आर्टिस्टों का, कलाकारों का। वही मैं सोच रहा था। मैं मतलब ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि पंडित जी को कभी साक्षात देखने का मौका नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं जी घर गया हूं आपके बनारस में, और वो जो उनका कमरा है, उस कमरे के बाहर जो उनकी तस्वीर लगी हुई है, फिर हमने जो उनके वीडियो क्लिप्स देखे हैं, वो एक टीका, सफेद बाल, मतलब वो वाकई ऐसा लगता है कि कोई कलाकार सामने नहीं बैठा है, बल्कि कोई कोई एक ऐसी शक्ति उस कलाकार के अंदर आ गई है जो उसको बिल्कुल एकदम, जैसा आपने कहा, कि अवतारी पुरुष की तरह बनाए जी हुए है। शुभ भाई, ये भी बताइए कि आपने, अगर मोटा मोटा मैं अंदाजा लगाऊं, तो पंडित जी से करीब करीब 15-17 साल आपने सीखा, कभी हाँ कभी आपको ऐसा उन्होंने बताया कि देखो ये तो ये मेरा स्टाइल है, लेकिन ये घराने की ये अच्छी चीज है, या ये उस घराने की अच्छी चीज है, और दिमाग बंद करके सिर्फ यही मत सीखना, बल्कि अगर वहां कुछ अच्छा मिले, अगर इधर से कुछ अच्छा मिले, अगर उधर से कुछ अच्छा मिले, तो वो भी सुनना और वो भी सीखना, उन्होंने कभी ऐसा कहा? वो इस बात को दूसरे वे में कहते थे। उनका कहना ये था कि सुनो सबको, लेकिन अपना स्टाइल मत खो, अपनी जो पहचान है उसको मत खो। तो जो कहते हैं कि वो हंस की चाल, हर चिड़िया नहीं चल सकती, हर की अपनी चाल होती है। लेकिन हाँ, कुछ सीखने को हो सकता है। वो बकुला से ध्यान सीख लियो, काक चेष्टा, कौए से चेष्टा सीख लो, हर चीज एक ही आदमी से नहीं सीखा जा सकता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो अच्छी बात लगी वो उठा लिया, उसकी खुशबू ले ली और उसको अपने हिसाब से, बनारस के हिसाब से उसको देखो। और वो उनका इस बात पे ज्यादा जोर होता था कि अपने अंदर खोजो। बड़े गहरे आदमी थे, आध्यात्मिक थे, स्कूल नहीं गए थे लेकिन आध्यात्म में बहुत थे वो। और मुझे उन्होंने जाते जाते, मैं साल अपने जाने से 1-2 साल पहले, कभी बात समझाने में, कुछ बातें कहने में, डांटने में, किसी चीज में, एक बार उन्होंने मुझे भी कहा था कि जब तक आध्यात्मिक नहीं होगे तब तक संगीत में वो बात नहीं आएगी, कितना भी रियाज कर लो। क्योंकि उस समय हम लोग 6 घंटे 8 घंटे रोज रियाज करते, लेकिन वो कहते थे बेटा असर तब तक नहीं आएगा जब तक स्पिरिचुअल नहीं होगी, आध्यात्मिक नहीं होगी। उस समय वो बात नहीं समझ में आई। आध्यात्मिक होने का मतलब समझ आता था कि सोमवार को महामृत्युंजय हो लिए, मंगल को संकट मोचन दर्शन कर लिए, वो भी कभी कभी। तो ये, लेकिन अध्यात्म क्या है, वो उम्र के साथ, रियाज के साथ, अनुभव के साथ, जिंदगी को देखते देखते तो समझ आता है। तो ये उनका ये कहना था कि अंदर ढूंढो, बाहर ढूंढने से ज्यादा, और सब कुछ अंदर मिलेगा अगर आंख है। तो अफकोर्स कहते थे बाहर कुछ हमें अच्छा लगता था, वो भी किसी का सुन के आते थे तो बड़ा डांटते थे और बुरी तरह कहते थे कि रियाज करो, देखो कितने अच्छा अच्छा लोग बजा रहे हैं। और रियाज ने, मतलब हम लोग रियाज करते थे, बहुत करते थे, जितना हो सकता था, स्कूल की पढ़ाई भी होती थी और बड़ा दूसरा वक्त था, और 50-60 साल पहले पैदा होते तो शायद और ज्यादा रियाज कर पाते, वक्त दूसरा था। लेकिन इस जमाने में जितना करते थे तो वो समझाते थे इस बात को कि देखो वो और रियाज कर रहा है, उसकी तरह करो, उससे ये चीज लो, वो देखो वो चीज कितनी अच्छी बजाय है। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते थे कि उसको पूरा फॉलो करो, कहते थे अपने हिसाब से उसको देखो, उसको शोधो, सोचो। तो ये बताइए कि जैसे मतलब इतने महान व्यक्ति का गुरु होना, वो तो शायद आपको 25, 35, 45 साल या 50 साल भी सिखाते तो आपकी चाहत यही रहती कि बस ये सिखाते रहें और मैं सीखता रहूं, बिल्कुल लेकिन जब वो चले गए और कभी आप बैठे तबले में के सामने, और कोई चीज ऐसी हुई हो जो लगा हो कि यार इसके आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, ये तो उन्होंने बताया नहीं था, और अचानक कुछ ऐसा हो और वो रास्ता अपने आप दिखा हो, ऐसा लगा हो कि उनकी मौजूदगी है बगल में, वो आए आपके बगल में, उन्होंने कहा कि देखो शुभ ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, या यहां से देखो रास्ता निकलेगा, ऐसा कभी होता है क्या? ये हमेशा होता है, अच्छा यही अभी 12 साल से वही हो रहा है। अभी क्या है, उनके जाने के बाद अपना जीवन की अपनी यात्रा भी है, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अभी आजकल देहरादून में रह रहे हैं और कार्यक्रम भी हैं, सिखाना भी है। सबके बीच में जब भी अभ्यास करने बैठते हैं
और एकाग्र चित्त होकर, ये नहीं कि दिमाग में दूसरी बातें चल रही हैं और रियाज हो रहा है, ऐसा नहीं, तब वो घटना नहीं घट सकती जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो घटना तब घटती है जब मैं, कभी ऐसा होता है कि सब घर में सो गया है और रात को 12-12:30 बजे मैं तबला लेके अपना एक कमरे में बंद करके कमरा धीरे धीरे अपना बजाने लगता हूँ और सोचता हूँ कि इसके आगे रास्ता क्या है। तो जब सोचता हूँ तो उनकी बात याद आती है कि अंदर ढूंढो, तो आंख बंद करते हैं तो अंदर वही दिखाते हैं रास्ता। और अब जाके इतना समझ में आ गया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ अंदर है, बस ढूंढते रहना है और आंखें वैसी रखी। ये उनकी उनकी सिखाई हुई बात है और इतने बड़े गुरु थे। मैं तो ऑनेस्टली हर रोज हर वक्त, छोटे भी भाई लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं अभी, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ये चीज का रियाज वो जिस तरह कर रहे हैं, हमारे बनारस में किस तरह हो सकता है, थोड़ा सा उसको सोच के कि बनारस, क्योंकि जिस तरह हमारे हाथ की चीज उनसे नहीं बजेगी एक बार में, बनारस की अलग स्टाइल होती है, हाथ का रखरखाव अलग होता है, वैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम ही अलग टेक्निक से है उनकी, वो बनारस के हाथ से निकलनी मुश्किल। तो मैं उसमें पीछे जाऊंगा तो वो ठीक नहीं है, वो तरीका भी नहीं है। संगीत का ये तरीका नहीं, संगीत में हर फूल की खुशबू अलग होनी चाहिए और होती ही है, उसमें जबरदस्ती किसी की तरह होना नहीं चाहिए। तो आपको जो वो सिखा कर गए कि अपने अंदर खोजो और अपने अंदर सब कुछ तो तुम्हारे ही अंदर है, तो अब जब आप एक एक अच्छा खासा नाम हो चुका है आपका, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ आप संगत करते हैं, सोलो करते हैं, आपकी चिंतन प्रक्रिया क्या होती है कलाकार के तौर पर? आप सोचते हैं कि मुझे अब ये नाना जी ने तो ये सिखाया था, मुझे इससे आगे कुछ बजाना है, या अभी यही लगता है कि नहीं यार, नाना जी की जितनी दी हुई चीजें हैं, सिखाई हुई चीजें हैं, वही अच्छे से निभा ले? नहीं, उनकी जो दी हुई चीजें हैं वो तो इतनी है कि मैं उसमें से अभी मैक्स टू मैक्स शायद 25-30% ही अभी रियाज ही किया, उसको छुआई हूँ, बाकी चीजें तो कॉपी में लिख के रखी हुई हैं, क्योंकि इन पे ही अभी काम ठीक से नहीं हुआ तो और निकालने की आवश्यकता नहीं, वो सब अभी पेंडिंग वर्क है, इतना बहुत करना है। लेकिन क्या है ना, ये जो अध्यात्म वाली बात कही मैंने आपको कि वो एक उम्र के साथ एक अनुभव के साथ एक अध्यात्म की बात आती है, अब उसमें ये आ गया है कि मेरे अंदर खास करके मैं अपनी बात बताऊं, वो नेगेटिव नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं तबले से जीतने का मेरा कोई ऐसा मन नहीं रहता कि तबले को हराना है और मुझे जीतना है, मैं तबले से हार के बड़ा खुश होता हूँ। बहुत बड़ी बात तो कह रहे हैं आप। ये मेरा विचारधारा है। तो मैं जब तबले पे बैठता हूँ तो मुझे कोई डेडलाइन नहीं करना होता कि मुझे आज ये हासिल करना है और इसके आगे जाना है और इससे ये देखना है, वो करना है, या ये जमीन बजाना है। जैसे शाम को मैं नहा धो के भूख करता हूँ, जैसे पूजा करता हूँ, वैसे तबले के साथ भी एक अनुष्ठान कर लेता हूँ। वो अनुष्ठान 15 मिनट का हो सकता है, वो बातचीत 1 घंटे की हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, वो 3 घंटे की भी हो सकती है। तो अब उस विचार से जब हम लोग तबला करते हैं ना, तो ये समझ में आता है कि जितना कम जानो उतना ज्यादा है। पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी बनारस के, उनके बात निकली है तो उनकी बात कर रहा हूँ, पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी बनारस के, पंडित श्यामता प्रसाद जी बनारस के, और हमारे गुरु जी भी पंडित किशन महाराज जी, ये लोग विद्या के खान थे, ऐसा नहीं है कि इन लोग के पास विद्या कम थी, लेकिन जब इनका कार्यक्रम सुनेंगे आप, ये लोग गिन चुन के वही 3-4-5 चीजें ही बजाते हैं। पूरी जिंदगी सिर्फ उस पे धार दिया है, उस पे खाली शोध किया है। ये ऐसी चीज है। तो हम लोग अब जितना कम जानते हैं उतने में अच्छा लगता है कि भाई जितना कम जाने उसी को खोजने वही बहुत है। अच्छा, ये भी बताइए कि कभी कभी किसी कार्यक्रम में अब जाने से पहले ये डर भी लगता है क्या कि यार मेरे नाम के साथ पंडित किशन महाराज का नाम जुड़ा हुआ है और जो आदमी मुझे सुनने आ रहा है, अगर कहीं इतनी सी बारीक सी भी गलती हो गई तो कहेगा यार क्या ये बजा रहे हैं, ये क्या परंपरा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कभी कोई ऐसा ख्याल, नेगेटिव ख्याल आता है या लगता है कि नहीं नहीं जो देकर गए हैं वो गलत होना ही नहीं है, कम करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे? देखिए, जो गलती ढूंढने आए वो गलती खोज ही लेंगे। सही बात, ढूंढ सही बात, वो आपके गुरु जी की गलती ढूंढ लेंगे,
वो सब में गलती ढूंढ लेंगे, इसमें ये नहीं ठीक है उसमें ये। जो आनंद लेने आए हैं वो मेरे आनंद में मेरा साथ देंगे, मैं उन्हें आनंद दे नहीं रहा हूं। मैं तबला लेके बैठता हूं अपना, पूजा करके, गुरु का ध्यान करके, टीका लगा के, तो मैं आनंद लेता हूं, उतना ही आनंद जितना मैं अकेले कमरे में लेता हूं तबले के साथ, और उतनी उसी तरह प्रार्थना करता हूं प्रभु की, अपने गुरु की। जो आनंदित होने आए हैं वो मुझे नाचता देखते हैं, मुझे मगन देखते हैं, मुझे खुश देखते हैं, आनंदित देखते हैं, तो वो आनंद में सम्मिलित हो जाते हैं। और जो कुछ लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, खाली वो उसमें बुराई ढूंढने आए हैं, तो वो तो हर चीज में बुराई। हम देखिए बनारस के लोग, पंडित राजन मिश्रा जी को मैं इतना याद करता हूँ, महाराज जी के बाद, मेरे गुरु जी के बाद, मैं जिंदगी में अगर किसी आर्टिस्ट से सबसे ज्यादा मुतासिर कहूंगा कि उनसे मैं इतना ज्यादा प्रभावित था, और उनको ही देखा, बहुत ज्यादा देखा, बचपन से इतना देखा। वो कहते थे जब किसी को सुनने जाओ तो ऐसे सुनो जैसे शिष्य सुन रहा हो, और जब किसी को सुनाने जाओ तो ऐसे सुनाओ जैसे शिष्य सुन रहा हो और तुम गुरु हो। स्टेज पे रहो तो गुरु बन जाओ, और सामने जब दर्शक में बैठे हो तो शिष्य बन जाओ, कोई भी छोटा बड़ा जो भी बैठ के बजा रहा है उसके शिष्य बन। तो हम उम्मीद भी यही करते हैं कि कोई सामने आया है सुनने, हम आनंद ले रहे हैं तो आप उसका आनंद लीजिए, और कृपा उन्हीं की है। आपने जो कहा कि डर, मुझे डर से ज्यादा जिम्मेदारी लगती है जब स्टेज पे नाम अनाउंस हो जाता है कि महाराज जी के नवासे हैं और उनके शिष्य हैं शुभ महाराज। तो आज की डेट में मुझे ये लगता है कि ये इतना बड़ा अपने आप में अवार्ड है मेरे लिए, तो फिर उस अवार्ड के खातिर जीना मरना भी पड़ जाए तो कम है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, अपनी सेवा देता हूँ। सही बात कह रहे हैं आप, और राजन जी ने तो ये बात मेरे साथ इंटरव्यू में भी कही थी, और वो तो जो आप अभी कह रहे हैं वो ये भी कहते थे कि हम जब स्टेज पे बैठते हैं तो पहले ये इंश्योर करते हैं कि हमको आनंद आए, अगर हमको आनंद आएगा तो आपको फिर आनंद आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभ भाई, इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले आखिरी सवाल मेरा यही होगा आपसे कि अभी जो आप मतलब सिखा रहे हैं आप, और आगे जो इनकलकेट कर रहे हैं तबले के जो नए कलाकार हैं, जो सीख रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं आपको, आपके गुरु जी की कही कौन सी बातें आप उन तक पहुंचाते हैं कि भाई देखो मैं सिखा तो रहा हूं तुम्हारे गुरु के तौर पर, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ये कहा था, इस बात का ध्यान रखना। बस इसका जवाब मैंने आपको दिया, इससे पहले ही दे चुका हूं कि मैं यही बताता हूं कि सुनो सबका लेकिन अपने अंदर और वही ढूंढना पड़ेगा। कोई भी अच्छा कलाकार आज तक हिस्ट्री में इंडियन म्यूजिक कहीं पे भी वो नहीं है जो अपने गुरु की कॉपी बना है। देख ले नजर घुमा, जो गुरु से अलग बन के कुछ काम किया है उसे लोग पसंद भी करते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो गुरु को कॉपी पेस्ट करेगा, कितना भी अच्छा नकल कर ले, नकली तो नकली ही रहे, जिरॉक्स तो जिरॉक्स ही रहेगा ना, ओरिजिनल नहीं हो सकता। तो वो ओरिजिनल बनने की मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें रास्ता दिखाऊं, इशारा कर दूं, बाकी वो खुद से पहुंचे उधर। जो वैसे बच्चे हैं वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, जीवन भर की यात्रा है, भी हम खुद ही यात्रा में ढूंढ रहे हैं कि कहीं ऐसा ऐसी जगह मिल जाए जहां लगे कि ये मेरा स्थान है, ऐसा संगीत करने के लिए मैं बना हूं। तो वो अभी जगह, अभी खोजबीन जारी है, वो उम्र लग जाती है उसमें जगह को पहुंचने की। नहीं नहीं हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी वो जो जगह है वो आपको बिल्कुल जल्दी मिल जाए, और बहुत सारा आप ऐसा नया काम करें जो वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यानी कट कॉपी पेस्ट से अलग हो, हम सब तक पहुंचे, हम सबको वो जो जो पंडित जी की परंपरा है, जो संस्कार है वो आपके अंदर है, और उसके लिए कुछ ज्यादा कहने की मुझे जरूरत नहीं है। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। याद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका, राजगिरी टीम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मुलाकात मुलाकात होती है। बिल्कुल।